नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज वायर। असम में बाढ़ अपना कहर बरपा रही है। 25 से ज्यादा जिले बाढ़ की चपेट में हैं। 50 से ज्यादा लोगों की जान भी जा चुकी है। हालात बिगड़ने के बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में सड़कें गायब हैं, घरों में पानी और खाने पीने की परेशानी हो रही है। मंगलवार को भी कुछ जिलों में कुल 9 मौतें हुई। वहीं इस दौरान एक और बड़ी खबर सामने आई कि कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क का 80% हिस्सा बाढ़ में डूब गया है। नेशनल पार्क के डायरेक्टर पी शिव कुमार ने बताया कि अब तक कांजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ से 66 जानवरों की मौत हो चुकी है और 170 जानवरों को बचाया जा चुका है। आपको बता दें कि बाढ़ जैसी स्थिति में जानवरों के लिए बहुत भारी संकट पैदा हो जाता है। जानवरों के लिए भी कई तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल असम में हालात को ठीक होने में समय लगेगा। गौरतलब है कि कांजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ के चलते पशुओं के ऊंची जगहों पर भागने की एक खबर ने खूब सुर्खियां बटोरी। दरअसल हुआ यह था कि पानी से बचने के लिए एक बाघ नेशनल पार्क से भागकर गांव में बकरियों के बाड़े में आकर छिप गया था। वो पूरी रात वहीं रहा, लेकिन बकरियों को नुकसान तक नहीं पहुंचाया। सुबह जब बाड़े की मालकिन वहां पहुंची और उसे हिलाकर देखा तो उसे पता चला कि वहां एक बाघ लेटा हुआ है। बाद में बाघ को सुरक्षित निकाला गया। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आएं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो सीबीसी वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।